ये एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन की हर बात और हर पल को समेट के रखा गया है। एक ऐसा म्यूजियम जिसमें गांधी के विचार हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें गांधी का बचपन झलक रहा है। तो आइए आपको बताते हैं क्या खास बात है इस म्यूजियम में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि म्यूजियम की जगह पर कभी गांधी जी का स्कूल हुआ करता था। इस जगह पर हुई थी गांधी जी की पढ़ाई लिखाई। राजकोट की अल्फ्रेड स्कूल, इस स्कूल की स्थापना 1868 में हुई थी। तब उसका नाम राजकोट हाई स्कूल हुआ करता था। कुछ सालों बाद अल्फ्रेड स्कूल का नाम बदलकर मोहनदास गांधी हाई स्कूल कर दिया गया। गांधी के स्कूल और समय के साथ बदलते इसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 1853 से 1866 तक राजकोट इंग्लिश स्कूल, 1866 से 1868 तक राजकोट हाई स्कूल, 1868 से 1907 तक काठियावाड़ हाई स्कूल और 1907 से 1971 तक अल्फ्रेड हाई स्कूल। महात्मा गांधी म्यूजियम में गांधी के जीवन के अलावा उनके परिवार की भी जानकारी दी जाती है। गांधी के दादा और परदादा के लिए एक 3D फिल्म भी बनाई गई है। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। इस म्यूजियम में मल्टीपल स्क्रीन ग्राफिक्स, सर्कुलर वीडियो जैसे अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। इसके अलावा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस म्यूजियम में गांधी के प्रतिमा के साथ बच्चों को बिठाया गया है, जहां गांधी जी अपने विचारों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस म्यूजियम की शुरुआत की थी, जिसके बाद से इस महात्मा गांधी म्यूजियम के चर्चे देश और विदेश में भी हो रहे हैं। राजकोट से संवाददाता नीलेश शिंशागिया की रिपोर्ट।